क्या बात है मालती, आज तो फिर से देर से काम पर आई है। रोजाना तेरी देर से आने की आदत कहीं तुझ पर भारी ना पड़ जाए। सेठ जी, मैं तो रोजाना ही जल्दी आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे ही मैंने काम शुरू कर दिया था। अच्छा, कितना सफेद झूठ बोल रही है तू मालती। मैं सुबह 5 बजे उठकर बाहर आंगन में बैठ जाता हूँ। मैंने तो तुझे कई दिनों से इसी समय आते हुए देखा है। सुनो जी, मालती सही कह रही है, ये सुबह 7 बजे आ जाती है। ये कभी भी देर से नहीं आती। इसने घर की साफ सफाई का सारा काम कर लिया है। तुम चुप करो भाग्यवान, मुझे सब पता है। ये नौकर नौकरानी बहुत ही चालाक होते हैं। और सुन तू मालती, अगर तुझे पैसे कटवाने से बचना है तो सुबह 5 बजे काम पर आना पड़ेगा। सेठ जी, आपको तो पता ही है, पूजा के बापू बीमार रहते हैं, उनकी सुबह देखरेख करनी होती है, उसके बाद ही मैं काम पर आती हूँ। ऐसा ना कहो मालिक, मेरी मजबूरी समझो। सेठ हल्दीराम बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। वो अपनी नौकरानी मालती पर बहुत अत्याचार करता था। बात बात पर मालती पर गुस्सा करना, उसके पैसे काटना, जबरदस्ती उससे घर के सारे काम करवाना। मालती की मजबूरी थी सेठ हल्दीराम के पास काम करना। मालती का पति सुरेश बीमार रहता था। घर में छोटे बच्चे और फिर गांव में सेठ हल्दीराम के सिवा कोई भी काम नहीं देता था। इसी बात का फायदा सेठ हल्दीराम उठाता था। वो अपने नौकरों से बहुत ही बेरहमी से पेश आता था, जिनमें से एक मालती भी थी। मालती भगवान शिव की पूजा करती थी। उसे विश्वास था कि उसके जीवन के संकट एक न एक दिन भगवान शिव अवश्य दूर करेंगे। इसी विश्वास पर वो रोजाना भगवान शिव के मंदिर जाती, पूजा अर्चना करती और समय पर घर के सारे काम निपटा कर वो सेठ हल्दीराम के घर काम पर चली जाती थी। पर हल्दीराम जब देखो मालती के पीछे पड़ा रहता था। सेठ हल्दीराम की पत्नी आशा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। हल्दीराम के एक बेटा बहू थे, पर अभी तक शादी के 8 साल बाद भी सेठ हल्दीराम के बेटा बहू को माता पिता बनने का सुख नहीं मिल पाया था। अरे बेटा किशोर, कितने डॉक्टर और हकीम बहू को देख चुके हैं, मुझे तो लगता है बिना पोते पोती का मुंह देखे ही स्वर्ग से धार जाऊंगा। हमारे भाग्य में पोता पोती का सुख नहीं लिखा। अब कौन से डॉक्टर के पास से आ रहे हो? पिताजी, वो शहर में किसी ने डॉक्टर बताया था तो वहीं दिखाकर आ रहे हैं, पर मैं समझ गया। जा, अब हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, हमारे भाग्य ही फूटे हुए हैं। सुनो जी, धीरे बोलो, बहू अभी अभी शहर से आई है, वो क्या सोचेगी? क्या सोचेगी, सची तो कह रहा हूं, दीनानाथ ने अपनी बांझ बेटी हमारे गले बांध दी, जो इस घर को वारिस भी नहीं दे सकती। सेठ जी, आंगन का सारा काम हो गया है, बस बहुरानी के कमरे की सफाई बाकी है। बहुरानी घर पर नहीं थी तो मैंने उनके कमरे की साफ सफाई नहीं की थी। जा, कर ले जाकर। बहुरानी बड़ी कमाइया करके आई है ना शहर से, अरे निराशा ही हाथ लेकर आती है ऐसी बहुएं। सेठ की बहू अर्चना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। तभी सेठानी वहां जाती है। चुप हो जाओ बहू, तुम्हारी ससुर जी का स्वभाव ही ऐसा है, वो बिना सोचे समझे ही बोलने लग जाते हैं। तुम सफर से आई हो, आराम करो। माँ जी, मेरी किस्मत में संतान सुख नहीं है, मैं ही गलत हूँ। आप सबको मेरे कारण कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। आप जानती हो, हर जगह जाकर देख लिया पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये दुख कैसे दूर होगा। अब तो मेरी उम्मीद ही खत्म होती जा रही है। भाभी, आपको अपने मन की मुराद अगर पूरी करनी है तो भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत रखो। भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत भक्तों की मनवांछित इच्छा को पूर्ण करते हैं। अगर आप भगवान शिव के व्रत रखकर उनका उद्यापन करोगे तो आपको अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ शिव शंकर बहुत ही दयालु हैं, वो आपकी झोली में संतान सुख का आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। मालती, क्या तू सच कह रही है? अगर बहू 16 सोमवार के व्रत रखे तो इसे संतान सुख प्राप्त होगा? हाँ मालकिन, ये सच है। आप एक बार बहुरानी से ये व्रत रखवा कर तो देखो। मैंने भी ये व्रत शुरू किए हैं ताकि पूजा के पापा जल्दी ठीक हो जाए। मालती के कहने पर अर्चना भगवान शिव के 16 सोमवार व्रत रखने शुरू कर देती है। अर्चना सेठ की नजरों से बचकर मंदिर जाती और पूजा पाठ करके चुपचाप घर लौट आती। सेठानी ने अपनी बहू को समझा दिया था कि घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो 16 सोमवार के व्रत रख रही है, नहीं तो वो उसे ये व्रत नहीं रखने देंगे। 16 सोमवार के व्रत के उद्यापन के दिन जब अर्चना सेठानी और मालती के साथ मंदिर में उद्यापन करके घर लौटती है तो सेठ ने उनके हाथ में प्रसाद और सामान देख लिया। सेठ हल्दीराम गुस्से में आ गया और सेठानी और अपनी बहू को डांटने लगा। तुम दोनों को यह सब करने के लिए किसने सलाह दी?
तुम दोनों सच बोलोगी या फिर बहू को हमेशा के लिए उसके मायके भेज दूं? सेठ का गुस्सा देखकर मालती से रहा नहीं गया और उसने सारी सच्चाई बोल दी। सेठ जी, मैंने ही बहुरानी से ये व्रत रखने के लिए कहा था, आप उन्हें घर से मत निकालो। अच्छा, तो ये सब तेरा किया धरा है। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। तू निकल, अभी इसी समय मेरे घर से निकल। मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। और सुन, एक फूटी कौड़ी तुझे तनख्वाह की नहीं मिलेगी। और हाँ, जो ये उद्यापन में हमारा पैसा लगा है ना, वो सब तू कल सुबह तक मुझे देकर जाएगी, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को तेरे ही घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। अब जा यहां से। पिताजी, अर्चना के साथ ऐसा मत कीजिए, वो बेचारी बहुत गरीब है, इतना बड़ा दंड मत दीजिए। सुनिए, इसमें मालती की क्या गलती है, उसने तो हमारा भला ही सोचा। मालती भगवान शिव की परम भक्त है, हो सकता है इसका विश्वास जीत जाए। भगवान शिव के भक्तों के साथ ऐसा अन्याय ना करो, ये बेचारी इतने पैसे कहां से लाएगी। सेठ ने मालती पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। मालती रोती हुई वहां से चली गई। उसी रात भगवान शिव सेठ हल्दीराम के स्वप्न में आए। भगवान शिव को देखकर सेठ हल्दीराम हाथ जोड़कर उठ बैठा। हल्दीराम, तुमने मेरी भक्त मालती को दुख पहुंचाया है। आज मालती की वजह से ही तुम्हारी बहू माँ बन पाई है। तुम्हारी बहू के भाग्य में संतान सुख नहीं था, पर उसने मालती के कहने पर मेरे 16 सोमवार के व्रत रखे। और जो कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरे 16 सोमवार के व्रत रखता है, मैं उस भक्त को मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ और मेरी कृपा सदैव उस भक्त पर बनी रहती है। तुमने मेरी उस भक्त को कष्ट पहुंचाया है जो भक्त मेरी बहुत पूजा करती है। अगर मैं चाहूं तो मेरा क्रोध तुम्हारा नाश कर सकता है। तुम स्त्रियों पर अत्याचार करते हो, तुम्हें इस पाप का दंड अवश्य मिलना चाहिए। नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं वचन देता हूं प्रभु, मैं अब कभी भी मालती या किसी अन्य स्त्री पर अत्याचार नहीं करूंगा। सेठ हल्दीराम भगवान शिव के सामने रोने लगा और दया की प्रार्थना करने लगा। भगवान तो दयालु होते हैं, जो कोई भक्त भी उनकी शरण में क्षमा याचना लेकर जाता है तो वो अपने भक्तों को अवश्य क्षमा करते हैं। सेठ हल्दीराम को क्षमा करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन जब सेठ हल्दीराम की आंख खुलती है तो सेठानी उसे बहू के माँ बनने की खुशखबरी देती है। सेठ हल्दीराम तो पहले ही जानता था कि ये सब भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुआ है। सेठ हल्दीराम मालती से क्षमा मांगता है। मालती बहन, मुझे क्षमा कर दो, आज तुम्हारे कारण ही हमारे घर में संतान का सुख आया है। मैंने अब तक जो भी तुम्हारे साथ गलत किया उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। सेठ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो भी किया शिव शंकर ने किया। उन्हीं की कृपा जब किसी बात पर हो जाती है तो उस भक्त के सारे संकट दूर हो जाते हैं और खुशियों का आगमन होता है। जय शिव शंकर। और सब मिलकर भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। उसके बाद सेठ हल्दीराम ने अपना व्यवहार बदल लिया। अब वो हर किसी के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करता था। कुछ ही सालों में सेठ के घर पोता और पोती का जन्म होता है। सेठ के घर में बच्चों के आ जाने से खुशहाली आ जाती है। सेठ ने मालती की भी बहुत मदद की, उसके पति का शहर के एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया, उनके रहने के लिए पक्का घर बनवाया। मालती भी जानती थी कि उसके जीवन में जो भी सुख आए हैं वो सब भगवान शिव की कृपा है। एक गांव में शिवम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास दो भैंसे थी। वो हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। शिवम का रोजाना का एक नियम था, दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे शिवम रास्ते में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त मंगल रोजाना उसे ऐसा करते देखता था। एक दिन, शिवम, तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है और जो दूध बच जाता है उसे तो शिव मंदिर में चढ़ा देता है। बाकी लोग तो शिवलिंग पर थोड़े से दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हैं, तू भी ऐसा किया कर और बाकी बचे दूध को इकट्ठा करके उसकी दही और घी बनाकर बाजार में बेच दिया कर, इससे तेरी दुगनी कमाई होगी। मंगल, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं खुश रहता हूँ। शिवम मंगल की बात पर ध्यान नहीं देता, वो नियम से ही रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता था। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने
शिवम से कहा, शिवम तू हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करता है, तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? पंडित जी मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए, मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर न हो जाएं, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी, बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा सका, उसका आज सारा दूध बच गया था। उसने सोचा आज इतना दूध बच गया है मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ा आता हूँ। शिवम ये दूध तो बहुत सारा है, ये तो बहकर खराब हो जाएगा, तो फिर मैं इस दूध का क्या करूँ? पंडित जी मैं ये दूध घर वापस भी नहीं ले जा सकता और ऐसे तो ये दूध खराब हो जाएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। पंडित जी ये तो आपने बहुत अच्छा विचार बताया है, मैं अभी जाकर बाजार से खीर का सामान लेकर आता हूँ। शिवम को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वो बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। शिवम ने खीर बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देख माँ पार्वती उनसे बोली, ये तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी गाय दिखाई पड़ती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। देवी पार्वती ये मेरा प्रिय भक्त शिवम है, इसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है, ये मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है, ये मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है, मेरे भोले भाले भक्त की भावना देखो ये समझता है, कहीं मैं पानी मिला दूध पीने से कमजोर न हो जाऊं, इसलिए ये दूध से अभिषेक करता है। प्रभु फिर तो अपने इस भक्त पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो देर किस बात की देवी पार्वती, हम अभी पृथ्वी पर चलते हैं और अपने भक्त शिवम की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती ने सेठ सेठानी का भेष बना लिया और शिवम के घर पहुंच गए। नमस्ते जी, कहिए आपको मेरे से क्या काम है? हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत ताजा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना अपना सारा दूध हमें बेच दिया करो। हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता, मेरी भैंसें जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा। पर हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए, तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम चार गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता, आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध पता कर लेंगे, ये तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है। सेठ और सेठानी वहाँ से चले गए, कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का भेष बना लिया। देवी पार्वती अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरह लेनी होगी। भगवान शंकर और माँ पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। शिवम दूध बेचकर मंदिर जा रहा था, उसने एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी को रोते देखा। आप दोनों क्यों रो रहे हो, मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। बेटा हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और एक डिब्बे में ये खीर है, आप ये दूध पी लो और ये खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। भगवान शंकर तुम्हारा भला करें बेटा, आज तुमने हमें ये दूध और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया। यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को ये दूध और खीर का भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ तो वो भी तो आपके पिता हैं, तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता था, इसलिए मैंने ये दूध और खीर आपको दिया। पर बेटा ये प्रसाद और दूध तो तुम भगवान भोलेनाथ के लिए लाए थे, तुमने हमें दे दिया, तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? शिवम की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर शिवम उनके चरणों में गिर जाता है। शिवम मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो? प्रभु मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। शिवम तुम मेरे सच्चे भक्त हो, आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शिवम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और माँ पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद शिवम का जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता है।